सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कफिन गेमिंग यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और गाइस आगे बढ़िए रहे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि OB22 का अपडेट आ चुका है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी बताई गई थी पहले अपडेट के आने से पहले वो कुछ चीज़ें नहीं आई हैं और कुछ नई नई चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो गाइस इसके बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। तो गाइस जैसा आपको इंटरफेस में लॉबी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद सबसे पहला अपडेट हम आपको बता दें तो जो इसमें पहला अपडेट है वो हमें क्लैश स्क्वाड में जो रैंक सीज़न है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है, वो कल से होने वाला है, तो मतलब आज से होने वाला है। तो रैंक सीज़न जो हमारा है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। तो आज शायद कितने बजे से स्टार्ट हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज स्टार्ट होने वाला है ये। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो गाइस स्टार्टिंग ब्रॉन्ज से होने वाली है और हीरोइक तक पूरा जाएगी, और उसमें क्या मतलब स्टार वगैरह कुछ ऐसा ही होगा जो जैसा पहले था स्टार मिलते थे। और गाइस यहाँ सबसे बड़ी बात है आपको डीजा टीचर मिलने वाली है। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो वोल्फ्रा कैरेक्टर आया उसको आप देख सकते हैं कैसा दिखने वाला हमारा वोल्फ्रा जो कैरेक्टर है वो भी कैसा दिखने वाला है। गाइस ये फ्री मिलने वाला है वोल्फ्रा कैरेक्टर, इसमें आपको डेली उधर फ्लिप करना पड़ता है, मतलब कैरेक्टर को चूज़ करके कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ता है, इवेंट आया है। तो गाइस इसका देख सकते हैं क्या एनिमेशन दिया है ग्रीना वालों ने, वाह क्या बात है भाई, मतलब इतना मस्त एनिमेशन दिया है ना कि ये हैंडसम तो था ही, कब कहता है जहर हैंडसम बन चुका है। तो गाइस मतलब काफ़ी जहर बनता ये बन चुका है गाइस, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात ये फ्री मिलने वाला है, जिसको अगर फ्री नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में एक वीडियो बन जाएगी, लेकिन बहुत टाइम नहीं है इसके बारे में। तो गाइस जो हमारा दूसरे नंबर पर अपडेट आता है, मतलब सेकंड नंबर का अपडेट है, उसमें आपको इमोट के 8 स्लॉट देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था इमोट के आपको 8 स्लॉट देखने को मिलेंगे। और गाइस कलेक्शन में भी आपको दिखा देते हैं क्या क्या अपडेट आया, कलेक्शन में भी कुछ अपडेट आए हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो गाइस अब चलते हैं हमारे कलेक्शन की ओर। कलेक्शन में आपको कुछ इमोट देखने को मिलेगा और कुछ नया एक पेज देखने को मिलेगा, तो वो क्या है अभी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अभी आपको हम इमोट दिखाते हैं। इमोट में आपको 8 स्लॉट इक्विप करने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप 8 स्लॉट लगा सकते हैं, 8 स्लॉट में आप कुछ भी कोई भी सा भी इमोट लगा सकते हैं। और गाइस इसमें हम चलते हैं सबसे नीचे की तरफ, क्योंकि हमें सबसे नीचे जो इमोट है वो देख लिया है। तो गाइस ये हमें 4 इमोट देखने को नए नए मिल रहे हैं, मतलब ये देखिए क्या कतई जहर इमोट दे रखे ग्रीना फ्री फायर ने, क्या इमोट है भाई साहब, मतलब क्या ही इमोट दिया ग्रीना फ्री फायर में, ये डॉगी के साथ खेल रहा है, इसका नाम डॉगीज है, मतलब डॉगी इमोट है, इमोट का नाम है ये। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं भाई साहब क्या इमोट दिए, मतलब कुछ अच्छा इमोट आने लगा इस बार से। और गाइस ये मुझे सबसे भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको मैंने कहीं देखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऐसा कुछ सीन कहीं देखा था, लेकिन बहुत ही मस्त लग रहा है भाई साहब ये सभी, क्या ही बताएं, मतलब गाइस ये बहुत ही अच्छा, ये मुझे मेरे ख्याल से ये कहाँ पर आ सकता है, ये आएगा हमारे टॉप अप इवेंट में, क्योंकि 500 डायमंड टॉप अप पे अगर आएगा ना तो बंदो इसको निकलवा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट है। तो गाइस आपको जो नया पेज देखने को मिलने वाला है, एक पिंस नाम का एक नया पेज है, ये क्या है इसके बारे में अभी हमें कुछ तो नहीं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पिंस नाम का एक नया पेज मिलने वाला है, शायद उधर से आप कुछ पिन करते हो तो वो आपको इधर शो करने को मिल जाएगा, मतलब स्टोर से जैसे आप पिन करते हो कुछ तो उधर मिल जाएगा। और गाइस आप बोलते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारा एक्टिव कैरेक्टर की आप एबिलिटी जो होती है वो किसी भी पे लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे डीजे आलोक हो गया, उसकी एबिलिटी आप देखिए कैरोलिन में अगर लगाने के सोचे तो वो हमारी लगी हुई है ऑलरेडी, मैंने लगा रखी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये A1-4 की हमने लगा दी, उसके बाद यहाँ पर वुकोंग की और राफेल तक की हमने लगा दी, मतलब सभी एक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं उनकी एबिलिटी आप लगा सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं डीजे आलोक लगाया, उसको आप गेम में यूज़ भी कर सकते हैं, वैसा ही है सेम, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब आपका लेडी मतलब तो लेडी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की स्किल लग जाती है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वुमेन लोगों के लिए मतलब फीमेल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनमें फीमेल कैरेक्टर चाहिए होता था तो उसमें एक्टिव स्किल नहीं लग पाती थी। गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट, जो हमारा ट्रेनिंग का है। तो गाइस इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी सुपर ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कतई जहर वाली ट्रेनिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे थक जाते हैं ट्रेनिंग करके, तो आप ये पीछे जो है यहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है, इस सीट पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन गाइस इस सीट का एक बग है, ये बग क्या है कि ये आप यहाँ पर बैठे रहते हैं वो आपके टीममेट्स को नहीं दिखेगा, पता नहीं ऐसा कि कुछ बग है, आप यहाँ पर बैठे रहते हैं पर आपको टीममेट्स जो होते हैं उनको दिखेगा कि आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए दिखेगा ही नहीं। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट। तो गाइस हम चलते हैं हमारे एक गन ले लेते हैं कोई सा भी, और उसके बाद हम चलते हैं ड्राइविंग की ओर। तो गाइस हम देखते हैं ड्राइविंग हमारी कैसी होने वाली है। गाइस ये फर्स्ट एंट्री हमारी, और ये हम रिव्यू कर रहे हैं OB22 न्यू जो अपडेट जो आया उसके बारे में फुल रिव्यू कर रहे हैं, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। गाइस इसमें मैप में भी कुछ चेंजेस आए हैं, आपको वो भी दिखाएंगे, मैप में जब आप लैंडिंग करते हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो उसको भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा इंटेक देखिएगा, और अगर वीडियो लाइक मतलब वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं और उम्मीद है कि आज ही हो जाएंगे।
और गाइस हमारा 1K का सब्सक्राइबर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश करेंगे। और गाइस हमारे पास एक है बाइक की स्किन, हमारे हाथ ये बैठ चुके हैं हमारे एक इनमी होते हैं। ओ भाई साहब अगर बंदी बैठ जाती तो क्या मज़ा ही आ जाता। आ जाओ बैठो। अबे उतर जा भाई, तू मुझको बंदी को घुमाना है तो उतर जा। हट यार। तो गाइस हम चलते हैं इसको घुमाते हैं। तो गाइस हम वीडियो को थोड़ा कर देते हैं फास्ट क्योंकि हमें पूरा एक राउंड लगा लेते हैं इसका। तो गाइस जैसे कि हमने बाइक का राउंड पूरा कर लिया तो अभी हमें क्या मिलने वाला है। जैसे ट्रेनिंग मोड में हमने सुना था कि वो ग्लू आने वाला है, तो ग्लू को आपको कहाँ मिलने वाला है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ट्रेनिंग मोड में ग्लू तो आ चुका है तो हम यहाँ पर सिंपली आपको ग्लू दिखा रहे हैं, ना कि फाइट करने आए हैं, क्योंकि इसलिए हम फार्मस लेकर आए हैं कि फाइट हमें नहीं करनी है। और गाइस हमें बंदे मारने वाले भी नहीं हो क्योंकि हम जो है वो इतना रेयर ड्रेस पहन के आए ना, कि हमारे पास इतना रेयर ड्रेस है बंदे हमको मारने वाले ही नहीं है क्योंकि हमारे पास है बनी का ड्रेस। गाइस काफ़ी रेयर ड्रेस है। ओ भाई साहब हेड लग गया, देखो बंदे हमें मार ही नहीं रहे, मारेंगे भी नहीं क्योंकि हम बनी ड्रेस पहन किया। तो गाइस आपको ये बॉक्स जो दिखने वाला है इसको आप यूज़ कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाते हैं ग्लू वाल, सुपर ग्लू वाल जिसको बोलते हैं। तो गाइस यहाँ से आप ग्लू लेकर फाइट कर सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ नूबड़े लोग क्या करते हैं, वो ग्लू के बॉक्स के ऊपर बैठ के अपने आप को ग्लू से बंद कर लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि किसी को ग्लू मिले ही नहीं सिर्फ उसके अलावा, मतलब ऐसा भी होता है कि उनको ही ग्लू मिले। ओ भाई तुम हमसे लड़ना चाहोगे, आ जाओ। वो नहीं लड़ेगा, देख लो हमसे कोई लड़ना ही नहीं चाहता। वो भाई साहब क्या बड़ी बंडल की इज्जत कर रहे हैं सभी, क्या मस्त है भाई साहब। चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं गाइस, क्योंकि हमें नेक्स्ट अपडेट की बात करनी है। हम फिर यहाँ पर ग्लू दिखाने आए थे तो गाइस यहाँ से आपको ग्लू ले लेना है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और गाइस जैसे कि हम आप मैच स्टार्ट करते हैं तो मैच स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉबी देखने को मिलती है, सुपर लॉबी जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसी लॉबी देखने को मिली है पूरे फ्री फायर में, बहुत ही बड़ी लॉबी है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं इसको, स्टैचू बोलते हैं, ये स्टैचू बने खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आग जल रही है, जैसा बोन फायर जल रहा है ना, इस पर हम बैठ के अपने आप को तंदूरी रोटी बना सकते हैं, मतलब तंदूरी समझ रहे हैं आप, वो पाव रोटी जिसको हम बोलते हैं लैंडमाइन, तो वो हम यहाँ पर सिकाई कर सकते। ओ भाई साहब देख लीजिए क्या फटने लगे ये सब, ओ भाई साहब मतलब क्या रेयर हो चुका है ये। और गाइस ये हमारे कुछ इवेंट में आने वाले ड्रेस है, ये हमारे कुछ इवेंट में आने वाला ड्रेस है, जैसे कि हमारा एक इलाइट पास था तो उसी इलाइट पास का ये ड्रेस है। और गाइस हम बोलते हैं मैच में, तो मैच में हमें गाइस आपको यहाँ पर आप जब लैंडिंग करते हैं यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाला है, वो चीज़ेस क्या है आपको बताते हैं। तो गाइस जैसे कि आप प्लेन में बैठते हैं और गाइस जब आप मैप खोल के अपना देखते हैं तो आपको वहाँ पर देख रहा होगा, जैसे आपको रेड सर्कल में दिख रहा है ये क्या है। तो गाइस ये है कि आप जब प्लेन से लैंड करते हो तो अगर आप उस टाइम पर लैंड नहीं कर पाते हो, मतलब लैंड या आपका नेट चला गया है या आप वहाँ पर लैंडिंग नहीं करते हो, तो डायरेक्ट वहाँ से आपको नीचे कर दिया जाएगा। ये क्या होता था पहले, इसको मतलब आपको पानी में भी आप कूद जाते थे, तो यहाँ पर आप पानी में आप नहीं जाने वाले, मैप के लास्ट में आप जाने वाले नहीं है, आपको बीच में ही उतार दिया जाएगा, जैसा कि अभी उसमें दिखा था वहीं पर आपको लैंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहे जहाँ भी जा सकते हैं, मतलब आपका अगर नेट आया तो आप जा सकते हैं, अगर नेट नहीं आया तो आप किसी भी रैंडम जगह पर जा सकते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वहाँ पर आपको मैप के आपके बीच में आपको ऐसा एक फ्लोट देखने को मिल जाएगा। वो कहाँ पर मिलता है अभी जब जितना हमने मैच खेला है वहाँ पर हमको कहाँ कहाँ मिला, ये एक फैक्ट्री में मिला जहाँ पर हम अभी खुद बैठे हैं, और एक हमको मिला क्लॉक टावर पे, और एक हमको मिला पोशिनॉक पे, और एक पीक पे मिला। तो गाइस आप देख सकते हैं आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, आप मजे कर सकते हैं इस गेम में भी। और गाइस ये थ्रो रिमोट जो अगर नया आया होता तो शायद अपडेट हो रहा है क्या, लेकिन मुझे तो नहीं पता, पता नहीं कैसा है, पर ये जो भी है यहाँ पर आपको एक नई शीट देखने को मिल जाएगी थ्रो रिमोट की। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो आपको इस सर्कल पे दिख रहा होगा, जैसा कि आपको इस पे दिख रहा है, मैप स्कोर नाम का एक नया स्कोर आया है जिसमें आपको कुछ परसेंट के हिसाब से दिया जाता है। अभी तो हमको 0% मिला है, इसमें कैसा है कुछ समझ में हमको नहीं आया, लेकिन फिर भी मैप स्कोर नाम का एक यहाँ पर नया एक आया है जिसमें आपको शायद रैंक आपका ज़्यादा प्लस हो सकता है, उसमें आपको स्कोर दिया जा सकता है, या फिर ये कुछ अलग ही इवेंट आने वाला है। इवेंट मतलब जैसा ये कुछ अलग ही स्कोर टाइप का आने वाला, जैसे KD होता है तो वैसे कुछ अलग आने वाले। गैस अगर हम बढ़ते स्टोर की तरफ तो हमें स्टोर में कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, हमें वही वैसा भी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। स्टोर में सिर्फ एक गन आई हुई है नई, द स्ट्रीमर गन। तो गैस ये नई गन है, 108 की है और इसमें बहुत सारी गन है। तो गैस आप देख सकते हैं ये आपको नई थीम बॉक्स, आपको थीम बॉक्स ये आपको देखने को मिल जाएगी।
और हमें स्टोर में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। और गाइस अगर आपको बता दें तो ये पूरा ए टू जेड मतलब छोटी से बड़ी चीज़ें थी जो हमें अपडेट में देखने को मिली, तो हम आपको ये बता दिए और ये रिव्यू में है। और गाइस अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए और हम स्ट्रीम करने वाले हैं। उसके बाद से गाइस जो हमें बैकपैक देखने को मिलने वाले हैं वो कुछ नए नहीं है, सभी पुराने ही बैकपैक हैं। और पैराशूट में भी हमें कोई कुछ खास देखने को नहीं मिला है और ये सभी चीज़ें हमें को पुरानी ही देखने को मिली है। और गाइस हमको अंकेश भाई बुला रहे हैं लेकिन इनको हम जाने वाले नहीं हैं इनके पास, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं वीडियो की रिकॉर्डिंग और ये गेम प्ले नहीं है, कुछ और है। अंकेश को अभी हम करते हैं ब्लॉक। और गाइस हमें आप देख सकते हैं कुछ भी हमें नया नया देखने को नहीं मिला है, हमें सिर्फ वही सभी चीज़ें पुरानी देखने को मिली है और कुछ कैरेक्टर वगैरह जो यही सब थे वो हमको नई नई चीज़ें देखने को मिली है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन बॉक्स होता है उसमें आपको क्या होता है कि आप यूज़ करते थे तो आपको ही सिर्फ जो नेक्स्ट जोन बनने वाला होता था वो आपको ही दिखाई देता था, लेकिन अब वो आपके टीम मेट को भी दिखने वाला है। और गाइस यहाँ पर आपको पुर्गेटरी मैप जो है फिर से आ गया है क्लासिक मोड में, तो आप पुर्गेटरी मैप को फिर से क्लासिक मोड में खेल पाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।